नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है शक्कर पारे। यहाँ पे मैंने चीनी की शक्कर पारे बनाए हैं मैदे से। तो खस्ता शक्कर पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया है, तो आप इस मेजरमेंट को फॉलो करोगे तो एकदम शक्कर पारे खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है, 500 ग्राम, और 125 ग्राम चीनी ली है, और 100 ग्राम घी लिया है। और यहाँ पे मैंने आधे कप पानी में 125 ग्राम शुगर डाल दी है और उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। अब जो हमने घी लिया था 100 ग्राम, उसको भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, और जो हमने मैदा लिया था उसमें मिक्स कर लेना है घी को। अच्छे से घी को मैदे में मिक्स कर लेना है हाथ से, और फिर इसमें शक्कर का पानी डालना है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छे से उसको घोल लेना है। एकदम से पूरा पानी डालोगे तो कंसिस्टेंसी हमें पता नहीं चलेगी, तो थोड़ा थोड़ा का पानी करके डालना है। देखो इस तरह का डो हमें बना लेना है, और इसको ढक देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमें इसको रोटी के जैसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही बनाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो साइड से कट कर लेना है, और इसको हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आप अपने मनचाहा आकार इसको दे सकते हो। ये देखो पूरा मैंने ऐसे स्क्वायर शेप में काट लिया है। ये इतना मोटा हमें रखना है, और तलने के बाद ये डबल हो जाएगा। यहाँ पे मीडियम हीट पे ऑयल गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में भी नहीं डालना है, गरम ऑयल में शक्कर पारे डालने हैं। और इसको कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहना है, नहीं तो एक साइड से पक जाएंगे और दूसरी साइड से कच्चे रहेंगे। तो एक जैसा पकने के लिए इसको हिलाते रहना है अच्छे से। ये देखो इसको गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसको निकालने के बाद भी इसकी कुकिंग प्रोसेस शुरू रहती है। ये देखो हमारे शक्कर पारे बन के एकदम तैयार है, रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खस्ता शक्कर पारा बना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।